देखिए इंदिरा गांधी एक महान नेता तो थी एक पूरे उपमहाद्वीप में इतिहास नहीं बल्कि भूगोल बदल दिया। अभी जूली साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, 90,000 से अधिक सैनिकों को सरेंडर करवा दिया, कर्नल जनरल सबसे, और जिस प्रकार उन्होंने वो घटना ऐसी घटना थी दुनिया देखती रह गई, दुनिया के इतिहास में कभी भी इस प्रकार से किसी मुल्क के टुकड़े नहीं हुए हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क के। तो आप सोच सकते हो कि गरीबी हटाने की बात उन्होंने एटॉमिक पोखरण के अंदर ही विस्फोट उन्होंने किया, लंबा इतिहास उन्होंने रचा। आज दुर्भाग्य से जो वर्तमान हुकूमत में है उनकी विरासत को याद करने में शर्म आती है, जबकि गर्व होना चाहिए सबको ही। ये डेमोक्रेसी है, सरकार बदलती रहती है, जिस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है वो कभी खुद का इतिहास नहीं बना पाएंगे। आज जरूर थे कि इंदिरा गांधी जी के जो सिद्धांत थे, सोच थी, गरीबों के लिए थी। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं बार बार, वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की विरासत में मिला हमें, हमारी नीतियाँ, हमारे कार्यक्रम, हमारे सिद्धांत हैं जो देश में गरीबों के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, हर गरीब व्यक्ति किसी कौम का हो उस आधार बना के राजनीति हमारे यहाँ होती है देश के अंदर। और इसीलिए आज 70 साल के बाद में भी अनेकता में एकता वाला मुल्क है, जाति है, सैकड़ों है, धर्म है, सबको मिला के हम चले हैं, तब जाके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए हमें गर्व करना चाहिए इंदिरा गांधी जैसे नेता भी, वैसे तो लंबा इतिहास है कांग्रेस का, पर इंदिरा जी जैसे नेता भी हुई देश के अंदर, जिसने, मैंने कहा मैं फिर कहना चाहूँगा, इतिहास नहीं भूगोल बदल के रख दिया है उपमहाद्वीप का। दुनिया लोहा मानती थी, अमेरिका का सातवां बेड़ा आ गया हमारे खिलाफ में, इंदिरा गांधी उसकी परवाह भी नहीं करी और हम विजय हो गए उस युद्ध के अंदर। इसलिए आज उनको हम याद करते हैं तो गर्व होता है। आज हम याद कर रहे हैं इंदिरा गांधी जी को, जिन्होंने इस देश के अंदर जो काम करके दिखाया, आज दुनिया उनको याद कर रही है। आयरन लेडी के नाम से जिनको जाना जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए और 1,00,000 के आसपास पाकिस्तान के जो सैनिक हैं उनको सरेंडर करने पे मजबूर किया, ऐसी हमारी देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने आज जो बैंक हम देख रहे हैं वो आम जनता की पहुंच तक जिनको पहुंचाने का काम किया, आज देश अलग अलग रियासतों के अंदर बटा हुआ था उसको एक करने का काम किया, परमाणु विस्फोट उन्होंने किया और किसी के आगे नहीं झुकी, दुनिया के अंदर किसी के आगे नहीं झुकने वाली लेडी इंदिरा गांधी जी थी, जिन्होंने इस देश को बहुत मजबूत किया, आगे बढ़ने का रास्ता उन्होंने प्रशस्त किया। मैं आज उनकी जयंती पर उनको अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।